जीवन साथी की तलाश के लिए डेटिंग करना 21वीं सदी का एक चलन सा बन गया है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि लोग डेट पर बेहतर दिखने की भरपूर कोशिश करते हैं। हालांकि लोग इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, लेकिन अक्सर ही वो अपने मुंह से आने वाली स्मेल पर ध्यान नहीं देते। Match.com द्वारा किए गए एक सर्वे में 43% लोगों ने बताया कि किसी भी डेट पर जाने के लिए ताज़ा सांस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसलिए आपको भी किसी भी डेट पर जाने से पहले अपनी सांसों को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। मुंह से बदबू आना, जिसे हम हेलिटोसिस भी कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये समस्या हमारे बीच हजारों सालों से रही है। मुंह से बदबू आने को यहूदी ग्रंथ तालमद में तलाक लेने का एक कानूनी आधार तक माना जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुंह से बदबू आती ही क्यों है? इस बात का पता लगाने के लिए आज हम आपके मुंह की एक छोटी सी वैज्ञानिक यात्रा पर चल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वो सभी बातें जानिए जो आपको किसी भी डेट या इंटरव्यू पर जाने से पहले पता होनी चाहिए। दरअसल आपका मुंह सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया का घर होता है, जो कि आपके दांतों, मसूड़ों और जीभ पर रहते हैं। ये बैक्टीरिया न केवल भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि कुछ दूसरे खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़कर हमारी रक्षा भी करते हैं। इसलिए आपके मुंह में रह रहे ज्यादातर बैक्टीरिया आपके दोस्त होते हैं। लेकिन समस्या वहां पर आती है जब इनकी संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया आपके मुंह में म्यूकस, भोजन के अवशेष और मृत ऊतकों को खाकर उन्हें साफ करते रहते हैं। जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन के कुछ छोटे टुकड़े आपकी जीभ, दांत और मसूड़ों पर अटक जाते हैं। भोजन के इन टुकड़ों की बढ़ी हुई सप्लाई की वजह से बैक्टीरिया की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती है। बचे हुए भोजन को खाने वाले ये बैक्टीरिया भोजन के अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जहाँ एक तरफ इस प्रक्रिया से बैक्टीरिया को भोजन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इससे कुछ केमिकल भी बनते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की और आसानी से पहचानी जाने वाली गंध होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे जैसी, कैडावरीन सड़े मांस जैसी और मेथनेथियॉल सड़े गोभी जैसी गंध छोड़ते हैं। इन सारी गैसों के एक साथ मिलने से जो गंध बनती है, वही सांस से आ रही बदबू के लिए जिम्मेदार होती है। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए आपके शरीर में बहुत ही अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है, जिसे आप लार या सलाइवा के नाम से जानते हैं। आपकी पाचन क्रिया में मदद करने और मुंह में नमी बनाए रखने के साथ ही साथ आपकी लार जीभ, गाल और मसूड़ों पर जमा हुए भोजन के टुकड़ों और मृत कोशिकाओं को हटाने का भी काम करती है। यदि ये कोशिकाएं और भोजन के अवशेष ना हटे तो ये जीवाणुओं को पनपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह देते हैं। कुछ दवाइयों, लार ग्रंथियों की बीमारियों, धूम्रपान और लगातार खुले मुंह से सांस लेने से लार पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है, जिससे आपके मुंह में भोजन के टुकड़े एकत्रित होने लगते हैं और बदबू पैदा करते हैं। लेकिन आपको अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरी सांस को कुछ अच्छी आदतों से दूर किया जा सकता है। इन अच्छी आदतों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, अपने दांतों को ब्रश और फ्लॉस से साफ रखना, जीभ को साफ रखना, ज्यादा कॉफी, धूम्रपान और कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को नजरअंदाज करना आदि शामिल है। इन अच्छी आदतों के बारे में आप और विस्तार से हमारे मुंह से बदबू दूर करने के 10 वैज्ञानिक तरीकों वाले वीडियो में जान सकते हैं। हालांकि इन अच्छी आदतों से बुरी गंध की समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन बुरी बदबू अगर किसी बीमारी की वजह से आ रही है तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से मिलना ही सही होगा। आप अपनी बुरी सांस को भले ही न समझ पाए हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुरी सांस को तो जरूर समझ गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी बुरी सांस से बचाइए। ऐसे ही मजेदार और साइंस से भरपूर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।